नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वो क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हम ये जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। कम से कम समय में मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताने वाला हूँ। तो आप साथ साथ में कमेंट करते जरूर चलना और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, चोकला मगरा पूगल किस पशु के प्रकार है, ये आपको बताना है। तो किसके प्रकार फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एलडीसी 2012 में पूछा जा चुका और ये भेड़ के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा अपना, ठीक है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, देख लीजिए कारापाल 2012 में, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है, इसका राइट रहेगा थारपारकर, ठीक है। दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरएसपी 1992 में 1992 में पूछा जाता है, इसका रहेगा अविकानगर, ठीक है। तीन नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पटवार 2011 में पूछा जा चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे फ्रेंड से, झालावाड़ को, ठीक है। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, छह नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल से आप लोगों का हनुमानगढ़। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, किस जिले में चावल का उत्पादन होता है फ्रेंड्स, एलडीसी 2012 में पूछा जा चुका है और ये रहेगा अपना बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट, आठ नंबर क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा फ्रेंड्स, जल्दी बताएं। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 में पूछा जा चुका और ये है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताएं। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है, 1981 में। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलना। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है कौन सा है फ्रेंड्स, आपको पता है, बिल्कुल सही, सीतामा। कौन सा है फ्रेंड्स, जी हाँ, तीन नंबर ऑप्शन, सीताराम नहीं है दोस्तों, ये सीतामाता, ठीक है। तीन नंबर ऑप्शन, तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटवार 2011 में पूछा जा चुका है ये। सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स, ये देवबारी उदयपुर में, ठीक है। चार नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 11 में अपना चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स, ये जोधपुर में, और छात्रावास अधीक्षक 2008 में पूछा जा चुका है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, किस जिले में फ्रेंड्स, राजस्थान किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है फ्रेंड्स, ये धौलपुर में, ठीक है। धौलपुर में जेल प्रहरी 2017 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स से, ठीक है। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। तीन नंबर क्वेश्चन करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है, ये आपको बताना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है फ्रेंड्स, खेतड़ी क्षेत्र से होता है, ठीक है। एलडीसी 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है, राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, ये नौवां स्थान है, ध्यान रखना अपना। दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट है, थर्ड ग्रेड टीचर 2012 में पूछा जा चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है, कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है फ्रेंड्स, तो वो है जालौर अपना, ठीक है। दो नंबर ऑप्शन आरएसपी 2009 में पूछा जा चुका है। बजेड़ा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, बजेड़ा किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। बजेड़ा क्या है, पान का खेत, पान का खेत है, बजेड़ा किसे कहते हैं, पान के खेत को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वहाँ के फसल क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है, वह है कौन सा है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। जी हाँ, हनुमानगढ़,
पीटीए 2015 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जालौर। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 21, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, तो कहाँ स्थित है ये जयपुर में है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। 22, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं, जल्दी से क्या कहते हैं, जेल परेड 2017 में पूछा जा चुका है और ये इसके कहते हैं वार्तिक कहते हैं। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, आरएस परेड 2009 में पूछा जा चुका है, तो कौन सा सुमेलित है फ्रेंड से, मसूरिया साड़ी ये सुमेलित है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और तीनों ही गलत ऑप्शन है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है फ्रेंड्स, ये है बीकानेर की, ध्यान रखना आपको तीन नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 25 फ्रेंड्स, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये अजरक के नाम से जाना जाता है, दो नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं वो बताएं, वो है कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की पड़े की मंदी की बुनाई के लिए, एक नंबर ऑप्शन पर इसमें राइट हो जाएगा, आर एस प्री 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से सुनना आप। कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन, तो इसका रहेगा मीनाकारी। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट हो जाएगा। 28, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है ये, तो किसे, शाहजहां, तीन नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था, वो आपको बताना है, कौन सा सेनानायक मारा गया था फ्रेंड्स, वो है नुसरत खान, कौन, नुसरत खान, दो नंबर ऑप्शन अपने 29 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया, किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया फ्रेंड्स, तो है बयाना। ठीक है, चार नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स में करेक्ट हो जाएगा। 31, अजमेर का संस्थापक कौन था, अजमेर का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, एलडीसी 2012 में पूछा जा चुका है, तो कौन था फ्रेंड्स, अजयराज। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट हो जाएगा, और डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बीकानेर के लहरियों और मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है वो आपको बताना है, क्या है, सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, एलडीसी 2016 में, और राइट रहेगा अपना टोंक, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 34, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो वो है जयपुर आगरा दिल्ली। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स में करेक्ट हो जाएगा। 35, राजस्थान के राजाओं में वह शासक कौन सा शासक था जो सेना के साथ 1857 में संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया, वो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा शासक था दोस्तों, जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया, तो राइट रहेगा अपना बीकानेर, चार नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 35 में चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाले क्रांतिकारी थे, बिगुल बजाने वाले, वो आपको बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वर्ण रक्षक 2013 में पूछा जा चुका है, वो है फ्रेंड्स, तीनों के तीनों ही है, डूंगर जी, जवाहर जी, लोहिया जाट और करण मीणा, तो उपयुक्त सभी रहेगा अपना, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाता है। 37, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है फ्रेंड्स, करसाई 2018 में पूछा जा चुका है ये, तो है तनोट माता। ठीक है, चार नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 38, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है क्या है फ्रेंड्स, करणी माता। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें 38 में राइट हो जाएगा। 39, किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार होल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। ठीक है, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है
कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ? जैसलमेर, चार नंबर ऑप्शन, 40 में अपना चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। बड़ी ठड़ी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई फ्रेंड से? निहाल चंद के द्वारा, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई फ्रेंड से? कहाँ हुई थी वो आपको बताना है, तो कहाँ? वृंदावन, ठीक है, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 43, बड़ी ठड़ी पेंटिंग संबंधित है फ्रेंड्स, आर एस परी 2009 और सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में भी पूछा जा चुका है, और ये है किशनगढ़ शैली से यानी अजमेर, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 44, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता फ्रेंड्स? किसका? जी हाँ, पानी, चार नंबर ऑप्शन पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 45, कन्हैयालाल सेठ की कृति है कौन सी है? कन्हैयालाल सेठ की कृति कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, धरती धोरारी, एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन पर इसमें राइट है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और वीडियो को आप शेयर तो आप ज़रूर कर देना फ्रेंड्स से, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट आप ज़रूर करके बताना। राजस्थानी भाषा में द्विदा और अलेकु हिटलर जैसी कथाओं की रचयिता है कौन है फ्रेंड्स? जल्दी बताएं, तो वो है विजयदान देथा, तीन नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स अपने इसमें राइट हो जाएगा। 46 में, 47, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्यामल दास, श्यामल दास, एक नंबर ऑप्शन अपने इसमें राइट हो जाएगा। 48, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विजयदान देथा, एक नंबर ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट हो जाएगा। 49, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, जल्दी स्थाई फ्रेंड से कौन सा है? वो है बवई, कवई बारा, ठीक है, ध्यान रखना आपको, तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? किन जिलों में? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में, जी हाँ फ्रेंड्स, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 51, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, कहाँ स्थित है ये? रावतभाटा में, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 52, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है कहाँ फ्रेंड्स? रावतभाटा में, तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो क्या रहेगा? रानीवाड़ा, ठीक है, चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। 54, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई कब फ्रेंड्स? वर्ष 2011 में, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुल अधिक संभावना है, क्योंकि क्यों है? सरसों की भूसी उपलब्ध है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा 55। 56 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का नियमित द्वारा चयन किया जाता है, तो क्या राइट रहेगा? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन 56 में अपना राइट है। 57, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? कौन बना फ्रेंड्स? जल्दी से बता दीजिए, कौन है? श्री के राधाकृष्णन, ठीक है, डी ऑप्शन फ्रेंड्स में इसमें राइट हो जाएगा। 58, मेवाड़ की मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है कौन है फ्रेंड्स? केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, तीनों, ये तो अपना डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 59, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है जैसलमेर, ठीक है, सी ऑप्शन अपना 59 में राइट हो जाता है फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों से? मरुद्भेद कहते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 60 क्वेश्चन, और आज के लिए आपका क्वेश्चन, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? इसको आपको ऑफलाइन कमेंट बताना है कि लाइव क्लास में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। फ्रेंड्स कम से कम समय में मैंने कोशिश किया कि आपके 60 क्वेश्चन पूरे हुए, तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को लाइक करके आप जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना तो आप बिल्कुल भी ना भूले। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट करके आप जरूर पूछ लेना फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आप इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम में फ्रेंड्स से बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।